मेरा नाम एचआर पोड़ियाम है। मैं मूल रूप से दंतेवाड़ा जिला का रहने वाला हूँ और हम लोगों को जो शादी के 27 साल बाद जो है ये सफलता मिली और इसी सिलसिले में शायद बोलना गलत होगा, आधा हिंदुस्तान में घूम चुका था। 95-96 जो जगदलपुर, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, उसके बाद साउथ इंडिया तेलंगाना स्टेट जो वारंगल और गोदावरी कन्नी, विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम में आज से 10 साल पहले जो है क्लियर कट, वहाँ के डॉक्टर साहब लोग उन्हें बता दिए थे कि ये चीज़ अब संभव नहीं है। तो उसके बाद अपन मानसिक रूप से जो है ना पूरा निकाल दिए थे कि आज हमारे भाग्य में नहीं है करके। फिर हमारी जो साली है वो इस हॉस्पिटल में आके उनको जो है ना सफलता मिला और वो कई दफे बोलने के बावजूद भी मानसिक रूप से अपन निकाल चुके थे कि अब जब इतना बड़े बड़े जगह के हॉस्पिटल के विशेषज्ञ डॉक्टर लोगों ने जब साफ तौर पर मना कर दिए तब यहाँ रायपुर में जाने से फिर क्या होगा, तो उनको हालांकि बताए नहीं थे। फिर वो फिर भी जिद करने से फिर ये जुलाई महीना में फर्स्ट टाइम जुलाई 2021 को यहाँ आए। आने के बाद फिर प्रोसेस जो शुरू हुआ और अभी 13/5/2021 को हमको जो है ना 2022 को हमको जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अब इसके लिए अब मैं क्या बोलूं, इस हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर साहिबान से लेकर के एक जितने भी यहाँ वर्कर्स हैं सबको मैं थैंक्स गॉड। और इसके अलावा अब इसके इस संबंध में बोलने के लिए मेरे पास जो है कोई शब्द नहीं है। इतनी बड़ी जो है मुझे खुशी मिली, अब मैं क्या बोलूं, अब और कुछ नहीं बोल सकता मैं। थैंक यू। मैं श्रीमती कनक पोड़िया, पति एचआर पोड़िया, और मैं शिक्षा विभाग में शिक्षिका एचएम पद पे हूँ। और हम लोग बहुत ही कोशिश किए, हर जगह गए, हर गली हर जगह पे गए हैं, हम लोगों को कहीं सफलता नहीं मिली। और यहाँ मेरी जो बहन है संगीता बघेल करके, उन्होंने फिर भी हम लोग उसको भी वो नहीं बताती। फिर यहाँ रायपुर में सर पता किए तो वहाँ पता किए, बोले कि नहीं इतने एज वालों को यहाँ पे नहीं करवाते हैं, हम लोग 40-42 ऐसे वाले को करते हैं, ऐसी बोली। फिर मैं नर्वस हो गई। फिर उसके बाद ना अचानक मेरे को, मैं भोलेनाथ को याद की, भोलेनाथ देखिए मेरे को कहीं ना कहीं रास्ता बताइए। फिर संगीता को याद की। फिर संगीता हमारे यहाँ चाचा की लड़की है, निर्मला पटवारी है, उसको मैं बोली निर्मला तुम संगीता का नंबर दो। फिर संगीता से बात हुई तो फिर संगीता ने फिर डॉक्टर साहब का नंबर दिए संगीता, हाँ मिलो ऐसे करके उन्होंने फिर डॉक्टर साहब का नंबर दिए। फिर जाओ दीदी आप वहाँ पे ऐसे करके बोली। तो फिर साहब लोग का भी सहयोग रहा, मैं तो मैडम को भी उस दिन गले लगी, बड़ी मैडम को एकदम से, चलो हमको लास्ट में सही, चलो ये कितना बड़ा माने पुत्र प्राप्त होना माने बहुत बड़ी चीज़ है। और इस हॉस्पिटल को तो मैं धन्यवाद दूंगी जी, और हमेशा जब भी आऊँगी तो यहाँ ज़रूर घुस के ही जाऊँगा इस हॉस्पिटल में। हाँ, और भी लोगों को बताऊँगी मैं, हमारे जैसे जो पीड़ित लोग हैं जो परेशानी है ऐसे लोगों को और भी बता देंगे हम लोग। पर बहुत अच्छा है यहाँ, पूरे स्टाफ से लेके पूरे मतलब यहाँ इतना अच्छा व्यवहार है कि मैं क्या बताऊँ, बहुत अच्छा व्यवहार, मतलब कोई किसी को एकदम अपने जैसा समझ के, पूरे सिस्टर्स हैं, पूरे जितने भी यहाँ से पोछा झाड़ू सब करने वाले, बहुत अच्छा व्यवहार। तो मैं तो यहाँ सभी को मैं धन्यवाद दूंगी। थैंक यू मैम।